हाँ तो देखो पूरा रेडी हो गया हूँ। तो आज एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, छोटी सी ट्रिप है, ये बोलो पिकनिक ही है, एक दिन का छोटा सा ही। तो देखो कौन कौन जा रहा है साथ में ये आपको बताता हूँ। देखो ये मेरी वाइफ है उन्नति, हेलो कर दिए, और ये मेरा बेटा, हेलो बोलो, क्या नाम है आपका? विवान पटेल। अरे वाह। तो बस मैं और मेरी फैमिली अभी छोटी सी ट्रिप पे निकलने वाले हैं, रेडी तो हो गए ऑलमोस्ट, और गैजेट थोड़े चार्ज पे लगाया हूँ, वो चार्ज होता है, थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं। हाँ तो भाई अपन एक्टिवा लेके जा रहे हैं अपना, और ये देखो थोड़े से रास्ते के व्यू के लिए यहाँ पे कैमरा माउंट कर दिया है, इसमें पानी की बोतल है और थोड़ा बहुत खिलौना है अपने बेटे के लिए, और डिक्की में भी थोड़ा सामान रख लिया है। हाँ तो भाई अपन कहाँ पे जा रहे हैं? यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर है और अपन जा रहे हैं डांडी। हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ की विजिट करते हैं और वहाँ पे क्या क्या अभी नया बना है वो सब आपको दिखाएंगे। हाँ तो हम पहुँच चुके हैं नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल, और ये दिखाता हूँ आप, ये एंट्री है, एंट्री के यहीं टिकट है, टिकट काउंटर है, और वहाँ पे हमने टू व्हीलर अपना पार्क कर दिया, और यहाँ पे बैगेज है, अपने साथ कुछ बैगेज है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, और टिकट के जो चार्जेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये टिकट के चार्जेस है भाई थोड़ा, और थर्सडे को बंद रहता है, तो ये आप नोटिस कीजिए, अगर थर्सडे को मत आना, ये मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है, बाकी ये सब जानकारी है। और चलते हैं अंदर, और अंदर आपको दिखाता हूँ क्या क्या नज़ारे है। ये देखो मेरा बेटा मेरी कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम जैसा है जहाँ पे गांधी जी की जो भी विचारसरणी है, उनका जो मत है, वो जो कहना चाहते हैं सत्याग्रह के बारे में, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो यहाँ पे तो आप खुद आओ तो खुद देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह है। तो और यहाँ पे ये देखो फीट बने हुए हैं, वैसे रास्ते से जाना है, और यहाँ पे सब लिखा हुआ है, वो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आओ आप और पढ़ो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी पूरा बहुत दूर तक है, अभी मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ थोड़ा पढ़ता हूँ, ये सब देखता हूँ। देखो ये मीठा सत्याग्रह, मतलब सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ था, और आप बाकी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, गुजराती हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ही मस्त है, मतलब अंदर भी हर जगह पे फैंस लगे हैं और लाइट्स भी है, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और जगह जगह पे पोस्टर्स बड़े मस्त है। ये एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्या मस्त बनाया है, और ये पूरा अंदर आप देख सकते हो, अभी कैमरा नहीं दिखाएगा, उस तरफ जाके मैं आगे दिखाता हूँ आपको ये कैसे बनाया है। Thank you.
हैं तो यहाँ पे थे अभी। कैसा लगा? मस्त है ना? और एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन जगह है, पूरा क्लीन है और एकदम शांति है, और जगह जगह पे वॉशरूम भी है, फैसिलिटी भी बढ़िया है। मज़ा आया ना? कैसा लगा? हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। हाँ अभी दूसरी जगह पे चलेंगे। हाँ चलो।